ये ले रहे, दो पाँव दे उसको। देता हूँ। ए शाला, प्लेट लेके जाना। ए डेढ़ कुटिया। हाँ। ए जा रहे, वो उपेल का हिसाब ले ले। ए मंगिया, तू जाना, मेरी कमर दर्द कर रही है यार। ए चल जा, चल काम चोर साला, जब से नाटक देख रहा हूँ तेरा। साला तुम लोग का भी टाइम आएगा एक दिन, दिखाता हूँ। आई सको। संजय दत्त की वो कौन सी फिल्में थी जिसने बदल कर रख दी उनकी चॉकलेट बाई वाली इमेज? क्यों सेट पर भड़क उठे थे निर्देशक और अभिनेता महेश मांजरेकर? किस तरह खत्म हुआ संजय दत्त का फ्लॉप फिल्मों में से नाता? संजय दत्त और नम्रता शिरोडकर की सुपरहिट फिल्म वास्तव को रिलीज हुए 21 साल हो गए हैं। 7 अक्टूबर 1999 को ये फिल्म रिलीज हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया था। इस फिल्म का निर्देशन महेश मांजरेकर ने किया था। फिल्म में नम्रता शिरोडकर, संजय नार्वेकर, मोहनीश बहल, परेश रावल, रीमा लागू और शिवाजी साटम भी थे। इस फिल्म के लिए संजय दत्त को बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। ऐसा कहा जाता है कि ये फिल्म मुंबई के अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर छोटा राजन के जीवन पर आधारित थी। इस फिल्म के डायलॉग्स भी सुपरहिट हुए थे जो आज भी लोगों की जुबान पर चले रहते हैं। फिल्म एक गैंगस्टर रघु की कहानी का अनुसरण करती है क्योंकि वो गलती से एक हत्या कर देता है और खुद को मुंबई के अंधेरे अंडरवर्ल्ड में पाता है। आज तक वास्तव को अपने शक्तिशाली प्रदर्शन और प्रतिष्ठित डायलॉग्स के लिए याद किया जाता है। संजय दत्त का फिल्म से ये लोकप्रिय डायलॉग असली है असली, पूरा 50 टोला, कितना 50, आज भी आप मुंबई में लोगों को बोलते पाएंगे। ये फिल्म संजय दत्त के लिए इसलिए भी खास है क्योंकि जेल से छूटने के बाद ये उनकी पहली फिल्म थी। 1993 में संजय दत्त की आजीवन गिरफ्तारी के बाद बॉक्स ऑफिस पर उनकी कोई भी फिल्म अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही थी। ये महेश मांजरेकर की फिल्म वास्तव ही थी जिसने कई मायनों में एक अभिनेता के रूप में संजय के करियर को फिर से लॉन्च किया। वर्षों से वास्तव ने एक कल्ट स्टेटस हासिल कर रखा है और संजय दत्त का फिल्म में अभिनय आइकॉनिक माना जाता है। फिल्म ने न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी अच्छा प्रदर्शन किया। फिल्म वास्तव की सफलता के बाद महेश मांजरेकर ने एक सीक्वल बनाने का फैसला किया। जो रघु भाई के बेटे रोहित की कहानी के साथ आगे बढ़ती है। 2002 की ये फिल्म जिसका शीर्षक हथियार था ने संजय दत्त को रोहित के रूप में अभिनीत किया, लेकिन पहली फिल्म जैसा प्यार और फेम इसे नहीं मिला था। ये तो हमने आपको बताया ही था कि फिल्म छोटा राजन जॉन के जीवन पर बनाई गई थी, लेकिन बाद के वर्षों में छोटा राजन और दाऊद के बीच दोस्ती और गिरावट ने बॉलीवुड फिल्म निर्माताओं को ऐसी ही और कहानियों को लिखने और जनता के सामने पेश करने के लिए प्रेरित किया। हालांकि मांजरेकर ने खुद कभी इसे स्वीकार नहीं किया है, उन्होंने इसे एक गैंगस्टर की आत्मकथा ही कहा है। महेश मांजरेकर ने अपने वास्तविक हीरो संजय दत्त के साथ 2002 की फिल्म हथियार के अलावा 2002 में ही पिता और 2004 में रक्त भी बनाई है। ये फिल्म सच में दत्त के लिए खास थी क्योंकि जहां वास्तव में पहले संजय दत्त को कोई फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नामांकित नहीं किया गया, यह फिल्म सच में दत्त के लिए खास थी क्योंकि जहां वास्तव से पहले संजय दत्त को कई फिल्म फेयर पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया था। हालांकि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की श्रेणी में वास्तव ही उनकी पहली फिल्म फेयर जीत थी। संजय दत्त की एकमात्र दूसरी फिल्म जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर मिला था वो थी मुन्ना भाई MBBS। ये अवार्ड उन्हें कॉमेडी की श्रेणी में मिला था। यदि आपने फिल्म देखी है तो आप सहमत होंगे कि क्लाइमेक्स सीन फिल्म का बेहतरीन सीन था। एक गैंगस्टर के रूप में संजय दत्त का प्रदर्शन, जो पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हो जाता है, अपनी माँ से खुद को मारने के लिए कहता है, जिसने दर्शकों पर गहरा प्रभाव डाला। खैर, मजे की बात जो है वो ये है कि पूरे सीक्वेंस को केवल 7 टेक में 7 अलग अलग कैमरों का उपयोग करके शूट किया गया था। वो कहते हैं ना, प्रेरणा कहीं से भी और किसी भी चीज से मिल सकती है। ऐसा ही कुछ वास्तव के किरदार रघु के साथ हुआ था, जिसके लिए प्रेरणा हॉलीवुड फिल्म मुंबई नगरी सपनों की दुनिया कही जाती है और यहाँ कई सपनों को कैमरा में कैद होते भी देखा जाता है। ऐसा ही कुछ इस ब्लॉकबस्टर के साथ भी हुआ था। दरअसल फिल्म का सेट मुंबई के चुनाभट्टी में तैयार हुआ था, जो सायन इलाके के करीब है। बाद में फिल्म तेरा मेरा साथ रहा और प्राण जाए जैसी अन्य फिल्मों के लिए भी सेट का इस्तेमाल किया गया था। आपको ये तो हमने बताया ही नहीं कि 1999 की इस ब्लॉकबस्टर फिल्म की डायरेक्टर महेश मांजरेकर की ये डेब्यू फिल्म थी। महेश मांजरेकर को इससे पहले निर्देशन का कोई अनुभव नहीं था। फिल्म की सफलता उनके करियर को एक निर्देशक के रूप में लॉन्च किया और उन्होंने बाद में साल 2000 में अस्तित्व और कुरुक्षेत्र जैसी कई मेनस्ट्रीम फिल्मों का निर्देशन किया। संजय दत्त ने कई फिल्मों में एक डॉन, क्रिमिनल या सिर्फ एक बदमाश की भूमिका निभाई है। उन्होंने नाम, हथियार, खलनायक, आतिश, दौड़ और करतूत जैसी फिल्मों में विश्वसनीय प्रदर्शन दिया है। फिल्म वास्तव से जुड़ी एक और खास बात जो थी वो ये है कि फिल्म ने काफी स्ट्रगल किया और ये अनन्या पांडे की स्ट्रगल जैसा नहीं था। जब महेश मांजरेकर ने 40-50% फिल्म बना दी थी तब फिल्म के फंड्स होने लगे थे और फिल्म को 5-6 महीनों के लिए बंद करना पड़ा था, जिस बीच फिल्म के लिए फंड्स और फाइनेंस की तलाश की गई और आखिरकार फिल्म को पूरा किया गया। वो कहते हैं ना, सब्र का फल हमेशा मीठा होता है और ये कहावत फिल्म वास्तव पर फीट बैठती है। क्या आपको भी लगता है संजय दत्त को इस किरदारों को निभाते रहना चाहिए या फिर मुन्ना भाई की तरह अपने किरदारों के साथ एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए? हमें अपना जवाब कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।